प्रदेश में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हत्या, लूट, चोरी की घटना सामने न आई हो। इसी कड़ी में एक बार फिर मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में युवक का शव पड़ा देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस फोर्स पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस की माने तो प्रेम संबंध को लेकर युवक की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी के अंतर्गत सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई है। मौका मुआयना किया गया सभी अधिकारियों के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा, और एक छत पे जिस मकान के पीछे शव मिला था उस पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं, एक बुलेट मिली है। और सारे एविडेंस को देखते हुए प्रथम दृष्टया देख के ये लग रहा है कि प्रेम संबंधों की वजह से हत्या कारित की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो मृतक के पिताजी हैं उन वो अभी तहरीर लिख के दे रहे हैं। उनकी तहरीर पर जो भी तहरीर मिलेगी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जिसने भी घटना की है बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करके पुलिस कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ बांदा के मासूम भाई बहन का शव घर में ही पॉलिथिन में बंद भूसे के ढेर से बरामद हुआ। मामला मटौंद थाना क्षेत्र के बजरंगपुरवा का है, जहां 1.5 साल का आदर्श और 3 साल की शक्ति नाम के भाई बहन अचानक खेलते हुए लापता हो गए। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जब परिजनों को मासूमों का पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीओ भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और आसपास के घरों में पता किया, जिसके बाद पुलिस ने घर में ही भूसे के ढेर में दोनों भाई बहनों के शव पॉलिथीन के अंदर से बरामद किए। मासूमों का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रूह कपा देने वाली इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये श्री कृष्ण यादव के बच्चे हैं, आदर्श और सृष्टि। आदर्श की उम्र लगभग 1.5 साल है और सृष्टि की उम्र लगभग 3 साल है। 1 बजे के आसपास ये बच्चे वहाँ खेल रहे थे, खेलते खेलते जब ये गायब हो गए तो कुछ देर बाद बच्चों ने जो घर के परिजन थे उनको खोजना चालू किए बच्चों को, और बाद में उनकी लाश उनके भूसे के ढेर में उसके भीतर दबी हुई पाई गई। भूसे के ढेर में प्लास्टिक का कवर था और उसी में वो रैपअप हो गए। मथुरा में पुलिस ने युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। युवक की हत्या सास ने ही अपने साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पता लगाया कि मृतक की अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था, जिसको लेकर सास ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर दामाद की हत्या की साजिश रच डाली और दामाद को मौत के घाट उतार दिया। द्वारा एक अज्ञात डेड बॉडी जो कि 23 दिसंबर को छाता क्षेत्र के अंतर्गत सुगर मिल के पास में मिली थी, जिसका गला भी कटा हुआ था और जो प्राइवेट पार्ट्स वो भी कटे हुए थे, उसी के संबंध में अपराध पंजीकृत करवाया गया था छाता थाना के अंदर। और उसके बाद 6 तारीख को ही यानी 6 जनवरी को अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त हुई, जो कि अमित गौतम पुत्र श्री ओम प्रकाश गौतम के रूप में उसकी शिनाख्त की गई। और ये भी पता चला कि वो हाईवे थाना क्षेत्र के अंदर जो ATV कटे उसके पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पत्नी का नाम रश्मि था और इसी के संबंध में उसी की पत्नी रश्मि द्वारा 30/12/2019 को ही थाना हाईवे क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। पूरे घटनाक्रम की जब जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मृतक अमित है उसी की सास का हाथ है, जिसमें उसने अपने साथी जीतू के साथ मिलकर एक पूरा प्लानिंग की गई और एक षड्यंत्र के तहत एक वेल प्लान वे में इसकी हत्या करके शव को छाता थाना क्षेत्र के अंदर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे जीतू और सास को थाना हाईवे इलाके से गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेज दिया। मऊ से जाहिद इमाम, बांदा से जफर अहमद और मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV के लिए।